नमस्कार। जब दुनिया की निगाहें टिकी हैं यूक्रेन पर, गहराते युद्ध के बादलों पर, लगातार युद्धोन्माद फैलाते अमेरिका, अमेरिकी राष्ट्रपति के स्टेटमेंट्स पर दुनिया की निगाहें थमी हैं। अफगानिस्तान से भूखे बच्चों को बिलबिला देने वाली मार्मिक तस्वीरों पर, ऐसे में हम लेकर आए हैं पड़ताल दुनिया भर की, जिसमें तमाम खबरों के पीछे की हलचलों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दुनिया की हलचल पर पैनी नजर, पड़ताल दुनिया भर की। देखिए, जुड़िए, ताकि मिले सही नजरिया, जानने और खोजने का, समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और सात समंदर पार। आखिर हम हैं ग्लोबल सिटीजन। वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सारा खेल नजरिया का है, एंगल का है, मीडिया तक उनकी पहुंच का है। मिसाल के तौर पर देखिए अफगानिस्तान, 2021 में जिस तरह से अफगानिस्तान ने अमेरिका के साम्राज्यवादी इरादों को धूल चटाई, वहां से उन्हें वापस होने पड़ा, सत्ता पर तालिबान ने कब्जा किया, सरकार बनाई, तब से लेकर आज तक हर चीज पर खबरें हैं, लेकिन इस पर चर्चा बहुत कम है कि अमेरिका ने जिस तरह से अफगानिस्तान के $10 बिलियन पर कब्जा किया है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में भीषण मानवीय संकट खड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक 8.7 मिलियन लोग भुखमरी के कगार पर हैं, 1 मिलियन बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन एक अच्छी पहल यह होती दिखाई दे रही है कि पिछले दिनों दो अहम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में यह मुद्दा चर्चा पर आया है। इस पर हमने बातचीत की प्रबीर पुरकाय से। प्रबीर, दोबारा दिखाई दे रहा है कि अफगानिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तेज हुई है, दो अहम बैठकें हुई हैं, संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया है, उसकी बैठक हुई 26 जनवरी को, उससे पहले नॉर्वे में बैठक हुई जिसमें पश्चिमी देशों, अफगानिस्तान के मंत्री और जो सिविल सोसाइटी है उसके लोगों ने भी शिरकत की, और केंद्र में रहा कि किस तरह से अफगानिस्तान को बचाया जा सकता है भीषण मानवीय संकट से। ये जो घटनाक्रम है, इसे हम कैसे देखें और कैसे समझें? देखिए, अच्छी बात यह है कि डिस्कशन असली बातों पे आ रही है कि क्या संकट अफगानिस्तान में है। ये इस तरह से बातें पेश नहीं आ रही है वहां पर कि अमेरिका चले जाने के बाद, नेटो के फोर्सेस चले जाने के बाद औरतों की हाल बहुत खराब हो गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो अभी तक आ रही थी, जिसमें एक दोगलापन था कि आपने एक तरफ तो अफगानिस्तान का पैसा रोक रखा, करीब $10 बिलियन अमेरिका ने जब्त कर रखा है, अभी तक देगा नहीं देगा, कब देगा मालूम नहीं है। दूसरी तरफ जो मानवीय संकट है उसकी चर्चा नहीं हो रही थी, जो बड़े पैमाने पर मानवीय संकट है, जो आपने जिक्र किया कि भुखमरी के कगार पे लोग हैं, वहां पर स्कूलें चलना बंद हो रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है, वहां पर ईंधन मिलना मुश्किल है, अनाज मिलना मुश्किल हो रहा है, तमाम जो बातें हैं, इन सब बातों पे न जाके सिर्फ उनकी ये बात चल रही थी कि दूसरे लोगों को शामिल किया जाए सरकार में, रिप्रेजेंटेटिव सरकार बने, जो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो किंगडम्स है उसके बारे में चर्चा नहीं होती है, वहां पर मानवीय अधिकारों की चर्चा नहीं होती। अफगानिस्तान में चर्चा इसलिए हो रही कि वहां पर नेटो की बहुत बड़े एक शिकस्त हो चुका है, अमेरिका के फौजों वहां से भागना पड़ा। तो ये जो दोगलापन था, ये खत्म होके अफगानिस्तान की असली संकट जो इस वक्त है कि एक तालिबान शक्ति वहां पर आई है, सत्ता तो कायम कर ली पर उनके पास पैसे नहीं है, और जो अनाज और तेल जो मुख्य चीज है इस कड़क ठंड जहां पर इस वक्त है अफगानिस्तान में, उसको मुकाबला करने के लिए उसको पैसे चाहिए खरीदने के लिए, वो पैसे उनके पास है नहीं। इन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स भी किए हैं, इन्होंने खुद कहा कि हमने $1 बिलियन एक्सपोर्ट्स किए हैं, पर हमारा $10 बिलियन हमको दिया जाए। उसके एवज में जो बातें इस वक्त हो रही है वो है कि हम एड देंगे, हालांकि उस पर शर्त रहेंगे, तो उनके पैसे उनके हाथ पे नहीं देंगे, एड के तौर पे हम कुछ शर्त रख के पैसा देंगे, ये कोशिश इस वक्त है।
यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कम पहलकदमी की गई है कि अफगानिस्तान का सही दशा क्या है वो बतलाने की, कितने लोग भुखमरी के कगार पे है। हाँ, क्योंकि हम दर्शकों को भी ये बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है, जो बयान जारी हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, जिसमें कुछ आंकड़े इस समय दर्शक देख सकते हैं, जिसके हिसाब से तकरीबन 1 मिलियन बच्चे भुखमरी के कगार पर हैं। यह भी कहा गया है कि 90% से अधिक पॉपुलेशन बहुत गंभीर संकट में है। 8.7 मिलियन लोगों के बारे में बातचीत है कि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं से वो वंचित हैं। मेरा जो आपसे सवाल है कि क्या ये जो दो बैठकें हुई हैं, एक तरफ यह बैठक हुई है, दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के साथ उनके नुमाइंदों के साथ जिस और सिविल सोसाइटी के साथ, जिसमें महिला संगठन भी शामिल हैं, जिसमें हर तरफ से मांग उठी कि पैसा मिले, मदद मिले, क्या अमेरिका पर कोई दबाव, क्योंकि अमेरिका का कोई बयान इस मद्देनजर अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया, तो इससे क्या अमेरिका पे दबाव बनेगा जब वेस्टर्न कंट्रीज और संयुक्त राष्ट्र संघ सब एक साथ आए हैं? देखिए, अभी तक सिर्फ इतनी बात हुई है कि एड दी जाएगी, एड का रास्ता खोल दिया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस और जितने और तथाकथित INGO कहते हैं, उसके जरिए वहां पर एड पहुंचेगी, ये बात स्पष्ट की गई है। और यूनाइटेड नेशन इसकी कोशिश में है कि $4.2 बिलियन उनको लग रहा है कि 2022 में चाहिए। उस पर कितना उनको मिल पाएगा, कितना दूसरे NGO के जरिए पहुंचा पाएंगे, इसकी कोशिश में अब लगे हैं। पर जो आपने पूछा कि $10 बिलियन करीब जो अमेरिका जिसपे बैठा हुआ है, क्योंकि वो उसके पास ही जमा है इस वक्त, उसका उस पर कोई बातचीत हो रहा क्या? तो देखिएगा, अमेरिका का बयान अभी भी जो आया है वो सब लिंक किया गया है कि पैसा तब दी जाएगी जब ये शर्तें मानी जाएगी। अभी भी अमेरिका लगता है कि अपना जो पराजय हुई है अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ में, अफगान की जनता के हाथ पे, तो उसको उसके लिए अफगानिस्तान को माफ नहीं करेगा जल्दी। इसीलिए देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान का शिकस्त जो है अमेरिका की जो हुई है, उससे उसके निकल के उभर के अफगानिस्तान का पैसा अफगानिस्तान को वापस करेंगे या रंजिश बरकरार रखेंगे और वो पैसा उनको बहुत साल 10-20 साल बाद शायद मिले, वो भी जब वो अमेरिका के सामने घुटना टेकने के लिए तैयार हो या अमेरिका कमजोर हो गया होगा, तो तब जाकर शायद पैसा मिलेगा। अभी तक तो बातचीत में अमेरिका कोई भी ऐसी शर्त नहीं इस तरह का कोई इसी संदर्भ में आपका ध्यान मैं दिलाऊंगी कि भारत की जो बैठक हुई है वेस्ट एशिया को लेकर, उसको कैसे हम देख सकते हैं, उसका जो पूरा का पूरा परिदृश्य है वह, क्योंकि क्योंकि वो तीसरी बैठक है। यह बात बिल्कुल सही है कि इसकी भी एक अहमियत है, क्योंकि हमारी पुरानी संबंध अफगानिस्तान के साथ था और उसको सिर्फ पाकिस्तान केंद्रित नजरिए से नहीं देखना चाहिए तालिबान सरकार को। तो इसीलिए अच्छी बात है कि हमने सेंट्रल एशिया की मुल्कों के साथ बातचीत किया और एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की कि सेंट्रल एशिया की मुल्कों के साथ मिलके हम क्या अफगानिस्तान के साथ कोई बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अगर कुछ एड भी पहुंचना है, कोई भी चीज़ वहां पहुंचना है, तो सेंट्रल एशिया के साथ ही सहारे ही जा सकता है। पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है वहां से मिलना जाना बहुत मुश्किल है। ईरान के साथ अमरीकी के दबाव में हमने काफ़ी संबंध अपने बिगाड़ चुके हैं और इसीलिए शायद ईरान के जरिए भी अफगानिस्तान पहुंचना मुश्किल है। तो हमारी इसलिए तीसरी कोशिश है कि क्या हम सेंट्रल एशिया के मुल्कों के साथ मिलके, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह वगैरह साथ मिलके, जिनके साथ अफगानिस्तान की काफी लंबे बॉर्डर्स है, क्या हम वहां अफगानिस्तान में पहुंच सकते हैं। अच्छी बात है, देखना पड़ेगा क्या होता है नहीं होता, बट कमजोर है इसीलिए कि लैंड बॉर्डर के जरिए अगर नहीं आप नहीं जा सकते, सामुद्रिक बॉर्डर से जरिए समुन्द्र से अगर नहीं जा सकते, तो इस तरह की सिर्फ हवाई जहाज के जरिए पहुंचना, बहुत बड़े पैमाने पे आप उस पर खिलाड़ी नहीं बन सकते। अफगानिस्तान में आप कमजोर खिलाड़ी हैं इस वक्त, ये मान के चलना पड़ेगा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यूक्रेन
जो खबरों में लंबे समय से बना हुआ है, हम लगातार उस पर निगाह बनाए हुए हैं, उससे जो खबरें आई हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। अमेरिका, अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि युद्ध बस पहुंचा ही पहुंचा है, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन जो यूक्रेन का नेतृत्व है, उसके जो राष्ट्रपति हैं, वह बताते हैं कि नहीं, हमें तो अभी तुरंत युद्ध जैसी आशंका नहीं दिखाई दे रही। वह भी तब जब पूरा इंटरनेशनल मीडिया खबर ये दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे रूस पहुंच चुका है, वहां से ये मिसाइल आ रही है। ये जो पूरा का माजरा है जिसमें यूक्रेन अलग ढंग से एक अपनी आवाज उठाता दिखाई दे रहा है। एक कुछ उनकी जो युद्ध की डंका बजाने की स्थिति में थे, खासतौर से अमेरिका और यूके, ब्रिटानिया को इसमें नजरअंदाज न करें, वो भी हर रोज खबर दे रहे हैं कैसे उनके पास खबर है कि यूक्रेन पे हमला होने ही वाला है, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटानिया, दोनों इस पे जमे हुए इस बात कहने में, तो उसमें थोड़ा पानी फेर दी यूक्रेन ने। यूक्रेन की सरकार, उनकी खुद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, बातचीत की बाइडेन के साथ, इसके बाद कहा कि हम खुश नहीं हुए हमारे जो बातचीत उनके साथ हुई, क्योंकि हमें नहीं लगता कि युद्ध होने ही वाला है और अभी ही होने वाला है। हाँ, खतरा है, लंबे अरसे की खतरा है, शॉर्ट टर्म कोई खतरा हमें नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो कहना, एक उनकी युद्ध की जो वातावरण बनाने की कोशिश थी दुनिया में यूक्रेन को लेकर, उस पर काफी पानी फेर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, उनकी जो और भी मिनिस्टर्स है, डिफेंस के लोग हैं, उन्होंने भी कहा है हमको तो नहीं लगता ऐसा कोई युद्ध अभी होने वाला है। तो ये जो चीजें हैं, इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि अमेरिका इसको क्यों इतना बढ़ चल के कह रहा था। तो मैं मानता हूं कि नेटो का भविष्य की इसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा सवाल है कि अफगानिस्तान से पीछे हटने के बाद, याद कीजिएगा, वो अमेरिका का सिर्फ अभियान नहीं था, नेटो का अभियान था। इन्वेजन जो अफगानिस्तान में हुआ था, नेटो को सामने रख के हुआ था। तो नेटो को पूछ के अमेरिका वहां से हटा नहीं था, तो अमेरिका का काफी उस वक्त छीछा लेदर हुआ था। नेटो तो अब जोर शोर से बुला के ले गए थे, भागने का वक्त तो आपने बताया भी नहीं नेटो को, तो अकेले निकल गए, अकेले घोषणा कर दी, इसके बाद सबको निकलना पड़ा क्योंकि अमेरिका ही वहां मुखिया था। तो अब जो है, नेटो का क्या मतलब, अहमियत है, ये सवाल है। तो इसीलिए उसको यूक्रेन में क्राइसिस पैदा करने की जरूरत थी, जिसके जरिए वो कह सकते हैं कि देखो नेटो की अहमियत ये है और मैं हूं इसका मुखिया। तो मेरे ख्याल से आप जहां कह रहे हैं कि नेटो में तमाम देश हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो अमेरिका चाहता है तकरीबन उसी तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन वाले मामले में ये दिखाई दे रहा है कि इंग्लैंड उधर है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी यूक्रेन वाले मामले में उसी तरह से युद्धावर नहीं हो रहे, उसी तरह से एग्रेसिव युद्ध के लिए तैयार नहीं होते दिखाई दे रहे। तो क्या ये कुछ स्प्लिट हो रहा है नेटो में भी सहमति? नेटो में बहुत साफ है कि फ्रांस और जर्मनी जंग नहीं चाहता, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अलग अलग तरीके से ये बता चुके हैं, और उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पालन नहीं किया था, जिसको मिन्स्क एग्रीमेंट कहते हैं। यूक्रेन लेके जर्मनी फ्रांस ने ये अपना जिम्मेदारी बताया था कि हम देखेंगे कि डोनबास रीजन को एक ऑटोनोमी मिले, और मिन्स्क एग्रीमेंट का सार मर्म यही था। जो यूक्रेन की सरकार, जो ऑपोजिशन थी डोनबास रीजन में उनका, और फ्रांस और जर्मनी मुखिया थे उसकी, सबको मिला के बिठा के सहमति करने के, और रूस उसमें शामिल था पर उसके बीच बचाव करने में मुख्य रोल अदा नहीं किया था उस वक्त। तो मिन्स्क एग्रीमेंट पे कोई इसके बाद पहलकदमी नहीं हुई, जो कि त्यों रख दिया गया था। अब जाके रूस की धमकी पर, अब जाके फ्रांस और जर्मनी को याद आया कि मिन्स्क एग्रीमेंट एक है, वो नॉर्मेंडी कॉन्टैक्ट ग्रुप के नाम पे रूस, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन चारों की बैठक हुई है। वो चारों बैठक के बाद कहे हैं कि हमें लगता है कि शांति की ओर हम बढ़ सकते हैं, बातचीत फ्रैंक बातचीत रही, मतलब डिफरेंसेस है हमारे बीच में पर बातचीत रही है, और हम लगता है इस पे शांति की ओर बढ़ सकते हैं। ये नॉर्मेंडी कॉन्टैक्ट ग्रुप की 3-4 दिन पहले की बैठक पे घोषणा हुई है।
देखिए फ्रांस और जर्मनी की, खासतौर से जर्मनी की, बहुत बड़ा सवाल है उनका ईंधन, खासतौर से वेस्टर्न यूरोप का मूल ईंधन जो गैस है वो आता है रूस से। और अगर रूस को आपने निकाल दिया स्विफ्ट स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम से, उनकी ट्रेडिंग बंद कर दिया, तो रूस में इतना भारी कोई क्राइसिस नहीं आने वाला है, क्योंकि रूस में उनका फॉरेन एक्सचेंज स्थिति बहुत अच्छी है। और इसके बाद उनकी सबसे बड़ा खरीदार इस वक्त गैस की चीन है, यूरोप नहीं है। तो यूरोप की मार्केट चली भी गई, उनको इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर अगर गैस अगर रूस की बंद हो जाती, यूरोप को इस वक्त कोई ऑल्टरनेटिव नजर नहीं आता। उनकी ईंधन खासतौर से कड़क की ठंड में कहाँ से मिलेगी, जिसके ऊपर उनको हीटिंग जो कहते हैं बहुत अहमियत रखती है वहां पर, उसकी बहुत जरूरत है, वो ईंधन कहाँ से वो प्राप्त करेंगे। इसीलिए वेस्टर्न यूरोप का इसमें इतना स्टेक नहीं है जितना अमेरिका के है। अमेरिका का तो खास इरादा ही है, वी विल फाइट रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन, आखिरी यूक्रेनियन को हम रूस के खिलाफ सौंप देंगे, उसको रूस को पीछे करने के लिए। यूक्रेन को अब लग रहा है कि इतना हित उसका पकड़ा बनने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं है इस बार, वो जी भाग भी नहीं सकते, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में शामिल होना, नेटो में शामिल होना, वो समझते हैं वहां पर शायद उसकी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस से उभर के आ सकते हैं इसके जरिए। पर जंग अगर यूक्रेन में होता है तो इस पर कोई संभावना नहीं है किसी चीज की, तो उतना इतना समझ उनको आ गया है। तो लिहाजा अफगानिस्तान हो या यूक्रेन, दोनों जगह अमेरिका का जिस तरह के मंसूबे हैं, जिस तरह से वो चाह रहा है चलाना, बिल्कुल हूबहू अभी तक वैसी चीजें नहीं चल पा रही हैं। कम से कम आज की तारीख में हम आप ये मिलकर आ, आ, कह सकते हैं कूटनीति को देखते हुए। सोल हेजोमॉन की जो एक तस्वीर थी 90 के दशक से शुरू हुआ था, उसका पतन का शुरुआत तो है ही, और अफगानिस्तान उसका स्मारक है कि ये सोल हेजोमॉन का रोल अमेरिका प्ले करने के स्थिति में नहीं है। दुनिया में और भी प्लेयर्स हैं, वो सब मिलके ही तय करेंगे दुनिया किधर जाए। जी बहुत शुक्रिया प्रबीर। एक बात बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है कि जिस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया में एक छत्र शासन करना चाहता था, अभी भी करना चाहता है, उसके इरादे बिल्कुल उस तरह से लागू नहीं हो पा रहे, क्योंकि तस्वीर बदल रही है। इस तस्वीर पर ही निगाह बनानी बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ देश और दुनिया में अमन की जो ताकतें हैं, जो चाहती हैं कि सद्भाव बना रहे, वे कैसे सक्रिय हो रही हैं, इन पर भी निगाह बनानी, इनकी खबर करनी बेहद ज़रूरी है। यह हम आपकी मदद से करते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है, देखिए, लाइक करिए पड़ताल दुनिया भर की, ताकि दुनिया को समझने का नज़रिया, सही नज़रिया मिल सके। शुक्रिया।